माननीय रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव जी के संदेश, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत से श्रेष्ठ भारत का निर्माण। मंडल रेल प्रबंधक अजमेर श्री राजीव धनकर के निर्देश पर आज आबू रोड में स्वच्छता सेवा कार्य किया गया। भारतीय रेल इस समय स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत के लिए सुबह 1 घंटा स्वच्छता के लिए एक साथ मिलकर रेलवे स्टेशन आबू रोड पर अभियान चलाया गया। अमर भट्ट स्टेशन प्रबंधक आबू रोड ने बताया कि श्री सुभाष टूची सहायक मंडल परिचालन प्रबंधक अजमेर के मार्गदर्शन में रेलवे प्लेटफॉर्म रनिंग रूम के आसपास रेलवे लाइन पर श्रमदान किया गया। दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन परिसर में सहायक मंडल दूर संचार अधिकारी आबू रोड श्री एन के सिंह के मार्गदर्शन में श्रमदान किया गया। सर्वप्रथम सहायक मंडल परिचालन प्रबंधक सुभाष किची ने सभी रेल कर्मचारी को स्वच्छता सेवा का संदेश, स्वच्छ रेल परिसर स्वच्छ भारत से श्रेष्ठ भारत बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर मंडल वाणिज्य निरीक्षक रघुवीर सिंह खटाना, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक श्री जितेंद्र कुमार, मुख्य टिकट निरीक्षक श्री कृष्णा शर्मा, बुकिंग सुपरवाइजर मनोहर झमनानी, आरक्षण सुपरवाइजर संजय शर्मा, अर्जुन सिंह पार्षद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन से संबल सिंह राठौर, विकास मोरवाल, पतंजलि योग समिति से हुक्मीचंद लखारा, नरेंद्र मिश्रा, पैसेंजर एसोसिएशन से सागरमल अग्रवाल, बसंत प्रजापत, गोविंद कटारिया, रेलवे सेवानिवृत्त संगठन से भान सिंह चौहान, भैरव सिंह गुर्जर, टैक्सी संगठन से मुकेश कुमार अग्रवाल, दिलावर खान, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से बीके सोमशेखर, निर्मल भाई आदि ने श्रमदान किया। भारतीय रेल और भारत सरकार की तरफ से पिछले 15 दिनों से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार और रेलवे की तरफ से संदेश है कि 1 अक्टूबर को 1 घंटे हम सब मिलकर सेवा करें। ऐसे सफाई रोज होती है, लेकिन आज विशेष अभियान चलाकर कम से कम 6 ट्रॉली आज कचरा को इकट्ठा किया। ये अभियान चालू ही रहेगा और आए दिन मतलब ये कचरों को मतलब सारी यूनियन मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान है। स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें आबू रोड में सारी यूनियन, सारे सामाजिक जितने भी संगठन है, वो भाजपा यूनियन, ब्रह्म कुमारी, सारे लोग और रिटायर्ड एम्प्लॉय यूनियन ऑल्सो, ये सारे मिलकर ये स्वच्छ पखवाड़ा मतलब पूरा सफाई कर रहे हैं। पूरे आबू रोड को, पूरे देश को सफाई करना है और ये सारे लोगों को संदेश है कि आज के दिन सारे लोग और कल दोनों पूरा देश को स्वच्छ रखेंगे। और